हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 47 और मैंने 40 सेट्स प्रैक्टिस सेट बना दिए थे अभी तक। आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इंग्लिश ऑब्जेक्टिव ग्रामर को देखिए और उसमें आपको मिलेंगे 40 सेट्स वीडियो जो रिलेटेड हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज हम देखते हैं कि इनमें कितने सेंटेंस हमारे पास हैं और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर बताना, कमेंट करते जाइए साथ में और करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। यदि आप इसे लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव में भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही डिपेंड्स डैश हिज फ्रेंड्स वर्ड। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है, प्रपोजिशन है यहाँ पर टू, ऑफ, फ्रॉम या ऑन में से हमें यूज करना है। तो नॉर्मली जब भी डिपेंड वर्ड आता है तो उसके बाद दो प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं, या तो ऑन यूज होता है या अपॉन यूज होता है। बट इस समय हमारे पास चार ऑप्शन में से केवल एक ही यहाँ पर लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन का यूज किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो रहा, वो हो रहा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका टू, एंड सेंटेंस टू है, हिज कैपेसिटी डैश हार्ड वर्क सीम्स अनलिमिटेड। एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टू, ऑफ, ऑन एंड फोर में से। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कैपेसिटी के बाद आपका प्रपोजिशन जो यूज होता है वो होता है टू, कैपेसिटी टू हार्ड वर्क। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थर्ड, ही ड्राइव्स डैश मोटर कार एट डैश यूनिफॉर्म स्पीड, एंड ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फोर, ही इज डैश कालिदास ऑफ अवर टाइम्स, एंड आर्टिकल यूज करना ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कालिदास आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हम कॉमन नाउन की तरह से किसी दूसरे के एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज होता है और यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द। तो ये हो जाएगा ही इज द कालिदास ऑफ अवर टाइम्स। सो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है देयर इज डैश दैट ऑन डैश प्लेट, एंड यूज करना यहाँ पर आर्टिकल नो आर्टिकल आएगा या द या नो आर्टिकल ए या द या द या ए में से यूज किया जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो दैट है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन तो यूज हो रहा नहीं तो इसे हटा देते हैं, है ना। और यहाँ पर देखें हम सबसे पहले तो नो आर्टिकल आएगा सबसे पहले, देयर इज आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रॉन्ग लिखे हुए, यहाँ पर आपका नो आर्टिकल होगा और यहाँ पर आपका द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें चार ऑप्शन में से भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है पहले नो आर्टिकल और उसके बाद आपका द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो नो आर्टिकल यहाँ कर लेते हैं, द यहाँ कर लेते हैं, अब ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सिक्स, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, एंड आर्टिकल यूज करना ए, द, एन या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आपका मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ग्रेट एडजेक्टिव लगा है और यहाँ पर आएगा आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से। तो जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका ए, एंड ए का ही यहाँ पर यूज किया जाएगा, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सेवन, एंड सेंटेंस नंबर सेवन है सी इज डैश गुड गर्ल, आर्टिकल यूज करना ए, द, एन या नो आर्टिकल में से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका ए, यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा, सी इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट है सी इज गोइंग टू डैश सिनेमा, और यहाँ पर यूज करना आर्टिकल ए, एन, द या नो आर्टिकल में से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका द, गो टू द सिनेमा, गो टू द पोस्ट ऑफिस, गो टू द असिस्टेंट, इस तरह से यूज किया जाएगा द आर्टिकल यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ एवरी पर्सन इन द ऑफिस। आपको बताना है ये जो अंडरलाइन हाईलाइटेड वर्ड है रिस्पॉन्सिबल क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सफिक्स लगा है बी एल ई, किसी वर्ड के अंत में बी एल ई सफिक्स लगाओ तो ये आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के लिए मैं कुछ और आपको पॉइंट बता देता हूँ कि एफ यू डबल एल बहुत सारे वर्ड के अंत में आता है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए, जैसे ओ यू एस है सफिक्स,
तो ये भी आपको एडजेक्टिव शो करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड आपका क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10। इफ वी फिनिश अवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवी। यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, मैं कर देता हूँ। क्विकली को बताना है कि क्विकली क्या है, यहाँ पर बताना है क्विकली क्या होगा। ओके, ये बताना है क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या वर्ब है। तो बता दूं आपको कि जो क्विक है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में यदि हम एलवाई का यूज करें तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। और यहाँ पर क्या बता रहा है, क्विकली वर्क फिनिश की विशेषता बता रहा है। यदि हम अपना काम जल्दी फिनिश करते हैं, जल्दी क्या होना है, फिनिश होना है काम को, तो क्विकली आपको एडवर्ब है, ये ध्यान रखिए, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, एडवर्ब। तो ये था आज की क्लास में, कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।